हाउ टू यूज फाइल मैनेजर इन वर्डप्रेस डैशबोर्ड। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने होस्टिंग के फाइल मैनेजर को अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे एक्सेस कर पाएंगे। हो सकता है दोस्त अपने होस्टिंग का एक्सेस अपने डेवलपर को देना चाहें, या हो सकता है कि आप बार बार आपको होस्टिंग को लॉगिन करना पड़े किसी फाइल को अपलोड करने के लिए। तो दोस्त आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका समाधान मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ही अपने होस्टिंग के फाइल मैनेजर को प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी फाइल्स को अपलोड करना हो अपने होस्टिंग के फाइल मैनेजर के अंदर, कोई भी फाइल्स को एडिट करना हो, अपने वेबसाइट के किसी भी पेज को एडिट करना हो, या किसी भी फाइल्स को परमिशन देना हो, तो दोस्त आप यहीं से कर सकते हैं। तो चलिए अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। और मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं उरुवेब। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो दोस्त आप देख पा रहे हैं मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे अपने को आना है प्लगइन सेक्शन के अंदर। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिस प्लगइन का नाम होगा फाइल मैनेजर। तो दोस्त अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की वीडियो में लेके हमेशा आता ही रहता हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे फाइल मैनेजर। मैंने फाइल मैनेजर सर्च कर दिया और यहाँ पे दोस्त आपको देखेंगे कि बहुत सारे फाइल मैनेजर प्लगइन यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन मैं जिस प्लगइन के बारे में बता रहा हूँ ये प्लगइन ये वाला है फाइल मैनेजर, और इसका जो इंस्टॉलेशन है एक 1 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है। और इस प्लगइन को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इसी प्लगइन के मदद से अपने फाइल्स को एक्सेस करेंगे। तो प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, अभी इसको हम एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्त प्लगइन जो है इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन शो होगा जो कि नीचे में यहाँ पे है, जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे। तो अभी अपने को यहाँ पे आप बैकअप रीस्टोर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, WP फाइल मैनेजर का एक्सेस मिलता है। तो आपको यहाँ पे WP फाइल मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। कभी कभार क्या होता है कि कोई अगर हम लोग थीम और प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो फाइल उसका जो MB होता है ज़्यादा MB में होता है तो इंस्टॉल नहीं हो पाता है, कोई प्लगइन या थीम नहीं इंस्टॉल हो पा रहा है। तो दोस्त आप यहां से डायरेक्ट उसे अपलोड कर सकते हैं फाइल मैनेजर के माध्यम से। तो दोस्त आप यहां पे देख पा रहे हैं जो फाइल मैनेजर है यहां पे ओपन हो चुका है, यानी आपके जो होस्टिंग के अंदर जो फाइल मैनेजर होता है उसका पूरा यहां पे एक्सेस आपको मिल चुका है। अब यहां पे आपके जो भी वेबसाइट का जो भी मतलब फोल्डर है फाइल्स है यहाँ पे सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अगर फोल्डर या फाइल में एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, या किसी पेज में आपको एडिट करना है तो उस पेज को भी आप एडिट कर पाएंगे, जैसे कि WP सेटिंग्स है, WP मेल है, या यहाँ पे जिस भी आपको प्लगइन पेज के अंदर आपको एडिट करना हो तो आप उस पेज में भी एडिट कर पाएंगे। इसका अगर कोई डुप्लीकेट बनाना हो तो डुप्लीकेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे कोड एडिटर है जो कि आप इसके अंदर का जो भी कोड है आप उसे एडिट कर पाएंगे। कोड एडिटर एडिटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड एडिटर ओपन हो जाता है, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कोड एडिट भी कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पे बगल में आपको फोल्डर्स दिखता है और यहाँ पे भी फोल्डर्स दिखता है, WP एडमिन, WP कंटेंट। और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको कोई प्लगइन या थीम का इशू आ रहा है या कोई फाइल आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे WP कंटेंट वाला जो फाइल है ना इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर थीम और प्लगइन आपको मिल जाता है, फंड भी मिलता है और साथ में अपलोड भी मिलता है। मान लीजिए कि आपके वेबसाइट पर कोई थीम का साइज़ बड़ा है और वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, यहाँ से अगर अपीयरेंस से अगर अपलोड नहीं हो पा रहा है थीम सेक्शन से, तो दोस्त आप यहाँ से डायरेक्ट थीम वाले फोल्डर के अंदर आइएगा। और यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी थीम यहाँ पे इंस्टॉल है यहाँ पे सारे थीम शो हो रहे हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे न्यू थीम को अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फोल्डर को, या तो यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप किसी भी थीम को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, किसी भी प्लगइन को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। जहाँ पर प्लगइन अपलोड करना है तो आपको यहाँ पर प्लगइन वाले फोल्डर पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जितने सारे प्लगइन्स हैं यहाँ पर सारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल है अपलोड है। तो यहाँ से कोई अगर एक्स्ट्रा प्लगइन भी आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और वहाँ से जाके एक्टिवेट कर पाएंगे। साथ में मान लीजिए कि कोई फाइल है जो कि ज़्यादा MB में है और अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो दोस्त आप यहाँ से अपलोड वाले फाइल पे आएंगे और यहाँ से जो भी आपका कंटेंट हो मीडिया हो आप उस फोल्डर के अंदर जाके आपसे अपलोड कर पाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली आप अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्त आप इस तरह से अपने होस्टिंग के फाइल मैनेजर को एक्सेस कर पाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। इस प्लगइन का यूज यही है कि इस प्लगइन के माध्यम से आप अपने वेबसाइट का जो भी है बैकअप भी ले सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं और यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिल जाता है, सेटिंग्स मिल जाता है, जो भी की सेटिंग्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका सेटिंग्स के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा एक्सेस करने के लिए आपको प्रो के लिए आपको बोलेगा, तो प्रो आप यहाँ से अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो आप इसका प्रो भी ले सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल तो अपना फ्री में ही अपना काम चल जाएगा। मैक्सिमम अपलोड साइज भी यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, जो कि दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 यहाँ पे MB दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि आपके केस में ज़्यादा अगर MB हो तो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोड एडिटर, यूजर रिस्ट्रिक्शन और यहाँ पे और भी आपको एक्सेस मिल जाता है जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। और साथ में जो भी आप यहाँ से एक्सेस करेंगे और साथ में आपको प्रेफरेंस मिलता है यहाँ पे,
और शॉर्ट कोड्स यूज़ करने के लिए आपको प्रो वर्जन इसका लेना पड़ेगा, तब जाके इसका शॉर्ट कोड आप यूज़ कर पाएंगे। और भी यहाँ पे मैक्सिमम अलाउड यहाँ पे जो भी है डेटाबेस बैकअप रिस्टोर का यहाँ पे इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके दोस्त, और साथ में जो भी फाइल्स है उसको एक्सेस कर पाएंगे। दोस्त आप इस तरह से अपने फाइल मैनेजर को यूज़ कर पाएंगे और दोस्त अपने होस्टिंग के फाइल मैनेजर को भी एक्सेस कर पाएंगे। दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको दोस्त 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ में ऐसे ही मैं ऐसे वीडियो इस तरह का वीडियो बनाता रहूं। और साथ में दोस्त अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद।